हेलो बच्चों, मैं एक नया वीडियो लेके आ गया। उस नाम है ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्या, अरे ब्लीचिंग दो प्रकार से होता है। एक तो ऑक्सीडेशन के द्वारा ब्लीचिंग होता है और दूसरा रिडक्शन के द्वारा ब्लीचिंग होता है। बच्चों से एग्जाम में मेडिकल के और आईआईटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लीचिंग कैसे होता है, तो बोलिएगा ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है या रिडक्शन के द्वारा होता है। तो वही लिखा हुआ है, ब्लीचिंग कैन बी डन बाय ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। जी, या तो ऑक्सीडाइज करके ब्लीच करता है, रंग उड़ाता है, ब्लीच रंग उड़ाना, या रिडक्शन के द्वारा ब्लीच किया जाता है। देखो एक बार ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन के द्वारा जब ब्लीच किया जाता है, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा जब ब्लीचिंग होता है बच्चों, जो रंग उड़ता है वो परमानेंट ब्लीच होता है। क्या बोला मैं? परमानेंट ब्लीच होता है। और रिडक्शन के द्वारा जो कोई कलर सब्सटेंस है उसको कलरलेस करोगे, बाय रिडक्शन करोगे, तो वो होगा टेम्पररली। टेम्पररली क्यों होगा? इसीलिए होगा कि वो हवा में ऑक्सीजन से मिलकर फिर वो कलर ले आता है। तो कहा जाता है कि जो कलर सब्सटेंस अगर ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको ब्लीच किया गया, वो अगर कलर उड़ गया, कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया, तो वो होता है परमानेंट ब्लीच। एक बार रंग साफ तो साफ, लेकिन रिडक्शन के द्वारा जो ब्लीच होता है बच्चों, वो तो कलरलेस हो जाता है लेकिन टेम्पररली होता है। हवा में रखोगे ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर कलर्ड हो जाता है। देखो रे, कलर सब्सटेंस रिडक्शन के द्वारा कलरलेस बना, लेकिन टेम्पररली क्यों है कि फिर वापस हवा में ऑक्सीडाइज हो गया और कलर सब्सटेंस में बदल गया। अब पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन के द्वारा कौन ब्लीच करता है और रिएक्शन के द्वारा कौन ब्लीच करता है? तो ऑक्सीडेशन के द्वारा O3, बिल्कुल H2O2, बिल्कुल, और Cl2, ये सब ऑक्सीडेशन के द्वारा ब्लीच करता है। रिडक्शन के द्वारा कौन सा ब्लीच करता है? SO2। एक बात और पूछा जाए, ड्राई ब्लीच। ड्राई ब्लीच का मतलब होता है कि जिसमें पानी उनी नहीं रहेगा, ऐसे ही सूखा में कर देगा, तो O3 ड्राई ब्लीच करता है। मतलब वाटर की जरूरत नहीं पड़ती ब्लीच करने में, लेकिन H2O2 हो गया, चाहे क्लोरीन हो गया, अच्छा SO2 हो गया, ये विथ मॉइस्चर ब्लीच करता है। तो कंपटीशन में ही पूछता है, एक तो पूछता है ऑक्सीडेशन के द्वारा कौन करता है, तो O3H2O2 क्लोरीन याद रखिएगा। दूसरा पूछेगा रिडक्शन के द्वारा क्या करिएगा, तो बोलिएगा SO2 करता है। फिर तीसरा क्वेश्चन एक राइज होता है कि ड्राई ब्लीच कौन करता है? ड्राई मतलब बिना पानी उनी के सारा, बिना वाटर के सारा, से कौन करता है? तो O3 करता है ड्राई ब्लीच, ऑक्सीजन वाटर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन H2O2 होगा, चाहे क्लोरीन होगा, चाहे SO2 होगा बच्चों, तो मॉइस्चर के साथ करेगा, वाटर रहेगा तभी ये ब्लीच करेगा, अदरवाइज ब्लीच नहीं करेगा। तो फिर वो ऑक्सीडेशन के द्वारा हो गया O3 H2O2 क्लोरीन, रिडक्शन के द्वारा SO2, ये हुआ ड्राई ब्लीच। बाकी सब बाकी चार ब्लीचिंग एजेंट है तुमको पढ़ना ना, O3 H2O2 और Cl2 और SO2, जही में चार तीन को तुम्हारा मॉइस्चर है, वो क्या ड्राई ब्लीच है। तो फटाफट इसको उतार लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए, अब O3 है, तो O3 क्या है? O2 और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? कलर सब्सटेंस क्या करता है? कलरलेस करता है। तो ये मैकेनिज्म हुआ कि कलर को कलरलेस करने के लिए O3 कैसे करता है। O2 और O में क्या, वो जो है कलर को कलरलेस कर देता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। H2O2 में देख लो बच्चों, H2 और O, वो भी क्या करेगा, यही जो है कलर को कलरलेस कर देता है। क्लोरीन वाटर है बच्चों, तो क्या करेगा, HClHClO देगा, और ये फिर HCl और O, और ये HClO टूट जाता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। जो हाइपोक्लोरस एसिड है बच्चों, वो आपका क्या है, अनस्टेबल है, क्या अनस्टेबल, ये टूट जाता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, कलर्ड को कलरलेस, क्या करता है, कलर्ड को कलरलेस। तो देखो O3 भी ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, H2O भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, क्लोरीन वाटर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, और कलर असर क्या, कलर को कलरलेस कर, ये ऑक्सीजन जो है कलर्ड को कलरलेस करता है। तो तभी बोला कि तीनों जो है जो कलरलेस करता है, कलर सब्सटेंस को, वो बाय ऑक्सीडेशन करता है। इसमें देखो बच्चों, SO2 वाटर है, तो यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन इसको कलर कलरलेस करता है। लेकिन मैंने बोला था कि ये रिडक्शन के द्वारा जो कलरलेस होता है वो क्या होता है, टेम्पोरली, क्या होता है, टेम्पोरली, क्या होता है, टेम्पोरली होता है। इसको ये क्या है, फिर से अगर हवा में छोड़ दोगे एयर में, तो फिर से ये हवा में रिएक्शन कर लेगा एयर में, और एयर में ऑक्सीजन होता है, इसे फिर ये कलर हो जाता है। इसीलिए क्या है, टेम्पोरली, क्या बोला, टेम्पोरली। और बाकी ये सब के सब क्या है, परमानेंट, O3 के द्वारा, H2O2 क्लोरीन के द्वारा परमानेंट है, क्या है, टेम्पोरली है। अब एक बात और आती है कि ये ड्राई ब्लीच करता है, इसमें वाटर कहीं नहीं दिखता है, ड्राई ब्लीच है। और बाकी मॉइस्चर, बाकी समय क्या है, मॉइस्चर वाटर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, इसीलिए
ड्राई ब्लीच हो गया वही बता दिया, ऑक्सीडेशन की दवाई बता दिया, रिडक्शन की दवाई बता दिया, बस काम खत्म है। हाँ एक बात और है बच्चों, एक बात और हम लिखना चाहेंगे, इसको फटाफट बताओ मतलब बच्चों, फिर एक बात और बताया बस थोड़ा सा। ब्लीचिंग पाउडर जो बच्चों है वो नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच करने वाला। तो ये भी जो है आपने देखा होगा कि टॉयलेट वॉयलेट साफ करने में या ये सब साफ करने में ब्लीचिंग एजेंट का काम होता है, ब्लीचिंग में रंग उड़ाने का काम करते, नाम है ब्लीच बना रंग उड़ाना साफ करना। तो यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज ज़्यादा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज ज़्यादा होता है। ये भी ब्लीच करता है बाई ऑक्सीडेशन, क्या बोला मैं, इट ब्लीचेज ऑल्सो बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के द्वारा O3 भी था, Cl2 वाटर भी था, H2O2 भी था, और ब्लीचिंग पाउडर जो नाम सुना है ब्लीचिंग पाउडर का तो यही होता CaCl2 CaOCl का होल 2 डॉट CoH.H2O, लेकिन का जो एक्टिव पार्ट है वो यही है CaOCl, इसका मेन पार्ट यही बोलते हैं CaOCl। अगर कंपोजिशन बोला जाए ब्लीचिंग पाउडर अगर पूरा बोलना है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डॉट 2H2O, लेकिन का जो एक्टिव पार्ट है वो यही है CaOCl.Cl है। तो ये भी ऑक्सीडेशन के द्वारा ही ब्लीच करता है बच्चों, इसको जो CaCl2O हुआ यही वो क्या करता है कलर को कलरलेस कर देता है। तो इस प्रकार से बच्चों मैं ब्लीचिंग एजेंट पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, ये वीडियो पसंद आया होगा तो ऐसे ही वीडियो में डालता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं।